तो भाई ये बड़ी गाड़ियों के बड़े खर्चे इतना आसान नहीं है फॉर्च्यूनर को रखना, ये सही बात है कि ये गाड़ी अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ज़ीरो है, लेकिन अगर आपको इसका स्पेयर पार्ट खरीदना पड़ गया तो फिर मुश्किल है। इतना महंगा नहीं है लेकिन एक नॉर्मल गाड़ी से थोड़ा सा महंगा आपको ज़रूर लगेगा। सबसे महंगी चीज़ वो है जी इसकी एवरेज, वो देगी आपको 10 से 11 की। इफ़ यू कैन टॉलरेट दैट वन फिर तो कोई सीन ही नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा खर्चा है इसका डीजल का और उससे ज़्यादा खर्चा है इसके टायरों का, क्योंकि इसके टायर 50,000 to 60,000 किलोमीटर्स ही चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक तो गाड़ी 2 टन की गाड़ी है, बहुत भारी है, ऊपर से ऑल टाइम 4x4 जब ये चलती है तो भाई मुश्किल तो होती ही है। तो भाई अब मन बना लिया कि इसको प्रॉपर ओके करके छोड़ेंगे। अब थोड़ा सा काम जो बाकी था वो था इसका स्टेयरिंग, जो स्टेयरिंग रैक था वो थोड़ा सा इसका लीक था, उसकी जो सीलें वगैरह होती हैं वो डलनी थी, वही डलवाने के लिए अब आ गया हूँ जी मैं अपने मैकेनिक के पास। तेल निकल रहा है उधर, ये चेक कर लो, ये देखो भाई ये निकल रहा है स्टेयरिंग ऑयल। स्टेयरिंग ऑयल है ना भैया ये? सो द एयर फिल्टर इज आउट, स्टेयरिंग ऑयल इज आउट एंड नाउ वेटिंग फॉर स्टेयरिंग टू कम आउट। और भाई लगा हुआ है भाई, ठीक है। तो स्टेयरिंग जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बाहर आ चुका है। सीम्स लाइक इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जो स्टेयरिंग है वो कहीं फंस गया है और भाई लगे हुए हैं यार। यूजली इतना टाइम नहीं लगता लेकिन फिर भी हमें आधा घंटा तो हो ही गया है इसको निकालते निकालते। ये लो भाई, तो स्टेयरिंग तो आ गया बाहर और स्टेयरिंग की हालत देख लो भाई। पहले भाई का बहुत थैंक यू यार, भाई ने बहुत अच्छा काम किया। लुक एट दिस, ये देखो लीकेज की वजह से ना हालत ख़राब थी और एक अजीब सी साउंड जो आ रही थी ना इसमें से, तो ये सब चेक करवाएंगे। फिलहाल चलते हैं इसको रिपेयर करवाने के लिए। तो अंकित भाई के साथ, अंकित भाई ने कहा कि बाकी तो गाड़ी बिल्कुल क्लीन है, नीचे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिपेयर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही एक लीकेज थी जो आपको अभी दिखाई मैंने। और यार अंकित भाई ने बहुत मेहनत की, हालांकि आधा पौना घंटा लग गया हमें निकालते निकालते। तो अभी इंस्पेक्शन चल रही है, भाई को मैंने कहा कि अगर और कोई काम है तो अभी चेक कर ले, क्योंकि अभी गाड़ी खुली है तो हम करवा भी देंगे। तो फिलहाल तो यही इंस्पेक्शन चल रही है और स्टेयरिंग लेके भी जा रहे हैं जी दूसरी दुकान पे, यहाँ पे उसकी रिपेयर होगी। तो अंकित भाई को कहा कि यार माउंट वगैरह की रबड़ें चेक कर ले अच्छी तरह, ठीक है कोई चक्कर नहीं है, माउंट की रबड़ें कटी नहीं है ना, सारी रबड़ें A to Z, ठीक है। तो चलो जी अब स्टेयरिंग लेके चलते हैं जी। यहाँ पे भाई स्टेयरिंग का काम जो है वो चालू हो चुका है, पूरा रैक जो है खुल चुका है, हर एक पार्ट रैक का खुल रहा है। मोगा इंजीनियरिंग वर्क्स जलंधर में पहुँच चुके हैं और ये विकी भाई है इनका नाम, विकी भाई एक्सपर्ट हैं स्टेयरिंग रिपेयर करने में। तो प्रॉपर सफाई करके फिर रिपेयर होगी इसकी, जितनी भी सीलें वगैरह लीक थी ना वो सारी खुल जाएंगी। तो दिस इज़ अ मेन पार्ट, लुक एट दैट हाउ डर्टी इट इज़, बहुत बुरा हाल था भाई, ये करवाना बहुत ज़रूरी था। तो भाई ये देखो पूरा ऑयल निकल गया, कितना डर्टी ऑयल था, लुक एट दिस पार्ट, ये चेक करो और ये पार्ट चेक करो कितना गंदा था। एंड दे रिसेंटली टुक आउट दिस थिंग, लुक एट दिस, तो इसी की वजह से सारी लीकेज थी। सो दिस इज़ अ पार्ट द टेक आउट, और इसमें तब की ग्रीस है 10-12 साल पुरानी, मतलब जब से गाड़ी आई है ना एजेंसी से वही सीलें डली हैं, वही रिपेयर जो लास्ट टाइम कंपनी से आता वैसे, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इसका और पता नहीं कितने टाइम से लीकेज थी। तो इट्स वर्थ इट, ये तो काम करवाना ही पड़ना था मुझे। तो भाई 50% वर्क इज़ डन, भाई वी आर ऑलमोस्ट डन, सफाई हो चुकी है, रैक खुल चुका है, अब फिटिंग की बारी है, पाजी फिट कर रहे हैं। पहले तो सफाई नहीं ख़त्म हो रही क्योंकि लीकेज की वजह से अंदर इतना ज़्यादा कचरा और एक तरह की जो ऑयल था वो ग्रीस बन चुका है, उसकी सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वहाँ पे भाई गाड़ी का काम चल रहा है और मैं आ गया हूँ, क्योंकि गाड़ी के टायर भी डलने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वन, लुक एट दिस, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और करण भाई कैसे हो? बढ़िया सर। आ जाओ यार फिर यार, यहाँ पे देखते हैं कि क्या रेट चल रहा है टायरों का, शायद चंडीगढ़ से फ़र्क हो या ना। टायर बुटीक, तो भाई ने ऑलरेडी टायर जो है वो निकाल दिए थे। दिस इज़ वन इज़ कॉन्टीनेंटल, द अदर वन इज़ योकोहामा एंड दिस इज़ फॉर द जिप्सी। द जिप्सी आई ओन रिक्वायर्ड ओनली 2 टायर्स, उसके तो सिर्फ 2 ही टायर डलेंगे। और मैं सोच रहा था कि योकोहामा जियो लैंडर डाल दूँ उसको, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जियो लैंडर डले हुए हैं 2 टायर। और करण भाई हैं हमारे साथ, करण भाई क्या रेट है इसका? सर जो मार्केट प्राइस है जी 12,500-12,400 ऐसे बिकता है। सही है सही है, हमारे पास रेट जो मिलेगा वो जो ऑथराइज कंपनी की डीलरशिप होएगा उसके हिसाब से मिलेगा। जैसे 12,000 का टायर है, आप ट्राई करके पैसे दे सकते हो, आप अगर 100 का ही फ्रेंड लेगा तो 100 का 500 काट के इंटरेस्ट से मिलेगा आपको, ठीक है। रेट बिल्कुल जेन्युइन प्राइस रखा हुआ है, कोई भी कस्टमर आए सबके लिए एक रेट है।
All right. So Bhai is saying that actually they are authorized dealer for the Yokohama, and whatever coming from the company and they are selling on the same price, there is no commission, there is no extra charges. Installation to free hogi. Installation. Matlab laga doge free mein. Isme fitting hogi, balancing hogi, alignment hogi. Yeah, in nana karte bhi 1000-1200 ka kam hai. Wo aapko sahi. Acha, wo complimentary ho jayega. So that's no extra charges. And how about this one? Continental kya rate hai Karan bhai? Continental bhaiya, ye lagega aapko 12,500 का. अच्छा, योकोहामा 12,000 और कॉन्टिनेंटल 12,500. और वो जिप्सी वाला टायर जिसकी, वो भैया ये है 7,000 का. 7,000. दो दीज आर फर्म प्राइजेस. देन यू गेट अ व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट एंड इंस्टॉलेशन एज ए कम्प्लीमेंट्री फ्रॉम कार बुटीक. सो जस्ट कम अक्रॉस ए टायर. दिस टायर इज स्पेसिफिकली फॉर जिप्सी. ये देखो, अगर किसी को प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है ना, लुक एट दिस टायर. इट्स लुकिंग सो गुड एंड इट्स लुकिंग सो टफ. भाई जिप्सी वालों के मजे हैं, क्योंकि ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया टायर भी आपको 7,000-8,000 में बड़े आराम से मिल जाए. करना भाई क्या रेट है इसका? 8,500. आई मीन डेफिनेटली वर्थ इट. स्केलिंग लगी हुई है गाड़ी पे और आप डॉक्टर नैनो की सस्पेंशन यूज़ करते हैं. दिस टायर कैन कम्फर्टेबली फिट इन योर जिप्सी. और भाई ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग टायर है. हाईवे पे कैसा परफॉर्म करता है डोंट नो, बट दिस लुकिंग सो डैम मीन. और यहाँ पे हमारा मन चल रहा है, आई वाज थिंकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंटल. इट्स स्टिल लाइक 500 more expensive, but it's all right. Lekin Yokohama is always trustable because I've been using Yokohama from last couple of years. Aur Yokohama ki ek history hai hamare paas. I will let you know guys, keep watching my videos. To ye lo bhai, almost set ho chuka hai. Aur bhai setting kar rahe hain proper. Sari sealen wagaira dal gayi hain. Ab shayad isko lube karenge aur oil lube karenge. Both together. सफाई वगैरह हो गई थी भाई, सीलों का ज़्यादा बुरा हाल था. ये देखो पुरानी वाली सीलें सारी कटी हुई हैं, कुछ फटी हुई हैं, मतलब बेकार काम था. यदि एडजस्टमेंट वगैरह भी होती भाजी कितने? ये देखो ठीक है, ओके ठीक है भाई. ओके भाजी, ओके सही. तो ये जो काम हो रहा है, ये हो रहा है कंप्लीट स्पेयरिंग इंक्लूडिंग रैक एंड एवरीथिंग. अगर आप चंडीगढ़ से हो, मोहाली से हो, पंचकूला से हो, लुधियाना से हो, जलंधर से हो, इवन प्योर फ्रॉम फगवाड़ा, पंजाब में कहीं से भी हो आप, अगर यही काम करवाने का ना चंडीगढ़ में 7,000-8,000 रुपये आपसे लेंगे. लुधियाना में भी सेम रेट है. मैं विकी भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उनको कॉल कर लेना और उनसे रेट पूछ लेना पहले एक बार, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. और सबसे बड़ा डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब आप काम करवाने आओगे दुकान पे और अपने सामने काम होते देखोगे, क्योंकि इतना बारीकी से काम और इतना अच्छे से काम बहुत कम लोग करते हैं. उनके पास जैसे स्टेयरिंग आता है, कोई उसको अच्छी तरह ल्यूब नहीं करता, कोई अच्छी तरह साफ नहीं करता. और सबसे बड़ी बात लीकेज की, वो जो सीलें डालते हैं ना 6 महीने भी नहीं निकालती, और इनकी सीलों की ना वही वारंटी रहती है. और उन वारंटी में अगर कुछ भी होता है तो आप यहाँ पे आके ठीक करवा सकते हो दोबारा, ठीक है ना. और बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, मैंने आज तक ऐसा काम होते हुए नहीं देखा है भाई. पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ काम हो रहा है. मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट जॉब एवर डन ऑन माय फॉर्च्यूनर. तो भाई स्टेयरिंग का काम अब मुझे पता है चल गया है कि जो स्टेयरिंग भारी था वो भी इसी की वजह से था. लीकेज तो है ही थी, जहाँ पे भी मैं गाड़ी पार्क करता था वहीं पे नीचे जो ऑयल था, वो स्पिल हो जाता था और घर वाले भी मुझे गाली देते थे भाई. लेकिन अब वो प्रॉब्लम फाइनली सॉर्ट आउट हो चुकी है. तो इसका एक बूट फटा हुआ है, भाई ने कहा जा दुकान से लेके आ, और बाज़ार में जाके देखते हैं कहाँ पे मिलेंगे. भाई ने कहा जो महिंद्रा की जाइलो कार होते हैं, जाइलो टाइप के, हाँ उसके बूट्स लेने जा रहे हैं. अब 535 कल असी तुका दुकान ते भाजी स्विफ्ट दे फ्रंट वाले मिल जाएंगे. मड फ्लैप बॉडी पार्ट कोई करता जी. हां जी सस्पेंशन एंड मैकेनिकल करता हूं. सस्पेंशन और मैकेनिकल, ओके ओके गुड, गॉट इट. और पंडित जी सेवा क्या करें आपकी? सेवा बस कभी क्या करें आपकी. तो फाइनली गॉट दीस स्टीयरिंग बूट्स. ये महिंद्रा जाइलो के हैं और भाई ने कहा ये फॉर्च्यूनर को भी डल जाते हैं, ठीक है. तो एक बार ऑयल पाने की लोड, अच्छा ऑयल तो अपने आप चला जाएगा ना. ये तुसी रख लो,
ओके चलो ठीक है ओके। तो ये लो भाई, ये है भाई का कार्ड। अगर पंजाबी नहीं पढ़ सकते तो नंबर तो पढ़ ही सकते हो, कॉल कर लेना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और ये पीछे इनका मैप भी दिया है जहाँ पे दुकान है, एक बार फिर देख लो आप। तो फाइनली वी आर डन हेयर, अब टाइम है जी मैकेनिक भाई साहब के पास जाने का, तो वहीं पे चलते हैं, सीधा आपको वहीं पे लेके चलते हैं। इसे तो मैं भूल ही गया था। तो ये है भाई की शॉप, मोगा इंजीनियरिंग वर्क्स, जलंधर में है, और मिल्की सिंह पाजी का नाम है, विक्की कहते हैं भाई को पैसे। ये लो भाई, बहुत मुश्किल है भाई गाड़ियों का काम करवाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो जी, चलो। और ये इसके बूट, तो इसकी फिटिंग चालू हो चुकी है, एंड टू एंड चेक कर ले यानी कि पूरे। राइट नाउ वी आर असेंबलिंग द स्टीयरिंग असेंबली अगेन सो वी कैन फिट इन, एंड लुक एट दिस। इसकी कंडीशन चेक करो भाई, ये चेक करो, मैं पास से चेक करवाता हूँ। आई मीन इट्स बीन लेकिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस पर, बहुत सी आवाज़ें आ रही थी इसके अंदर से ना, बहुत सी आवाज़ें। तो फाइनली वी आर गेटिंग रिड ऑफ एवरीथिंग, ऑल द नॉइसेस, ऑल द बुलशिट, ऑल स्पिलिंग एंड एवरीथिंग। तो भाई स्टेयरिंग का काम हो गया, स्टेयरिंग ऑयल सारा निकला है। ये देखो स्टेयरिंग ऑयल की हालत बहुत बुरी हालत थी, और भाई ने रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट, तो ये देखो साथ में कितनी डर्ट थी, और यही जो डर्ट है, यही जो सीले होती है रबड़ की, उसको काट देती हैं। तो इसको चेंज करवाना बहुत बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, हर दूसरी सर्विस पे आप करवा सकते हो। अगर आप पहाड़ों में नहीं चलाते तो तीसरी सर्विस में, मतलब हर 30,000 किलोमीटर के बाद पूरा स्टेयरिंग ऑयल आप चेंज करवा सकते हो। अभी जो स्टेयरिंग ऑयल डाला है वो इंजन ऑयल प्लस स्टेयरिंग ऑयल दोनों मिक्स करके डाला है इसमें, और भाई ने कहा कि जब नेक्स्ट सर्विस करवाओगे तो पूरा इसको निकाल के फिर दोबारा से पूरा स्टेयरिंग ऑयल जो है इसमें डलवा लेना। तो भाई स्टेयरिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, और लगे हाथ मैंने कहा डिफरेंशियल ऑयल जो है वो भी चेक करवा लेते हैं, फ्रंट और रियर दोनों चेक हो जाए। और भाई चेक कर रहा है अब डिफरेंशियल ऑयल, पीछे का, आगे का तो बिल्कुल सही था, अब पीछे का चेक करवा के देख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी चेंज करवा देंगे। तो फाइनली ये डल रहा है जी इंजन ऑयल स्टेयरिंग ऑयल दोनों मिक्स करके डालेंगे अब, और नेक्स्ट सर्विस जब होगी तब पूरा स्टेयरिंग ऑयल जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा मुझे। ऑयल ही डलवाना है ना भैया नेक्स्ट टाइम, तो बस इसी टाइम मिक्स करके डालना है ना। चलो ठीक है, भैया ने कहा इस टाइम मिक्स करके डालेंगे। तो एयर फिल्टर लग रहा है अब, स्नॉर्कल वाले कर देना पूरा कनेक्शन है। तो एयर फिल्टर इज डन, एयर फिल्टर लग चुका है। वैसे तो पहला सारा निकल चुका है ना, ओके। और टोयोटा की सबसे बुरी बात बताऊं आपको, ये चेक करो, ये MRP चेक करो, ओनली फॉर दीज टू लिंक रोड्स। भाई जो ओरिजिनल भी आती है ना वो 10,000 की आती है, लेकिन ये इट्स लाइक मेड इन थाईलैंड। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये मेड इन थाईलैंड है, तो इट्स लाइक 25% ऑफ MRP विच इज अराउंड 3,000, तो 3,000-2,500 की बड़े आराम से मिल जाएंगी आपको। यही है बस टोयोटा का चक्कर, स्पेयर पार्ट बड़ा महंगा है यार इसका, बहुत ज़्यादा महंगा। तो अभी मेन काम, सारे नट बोल्ट दोबारा से टाइट होंगे, जो भी रबड़े ख़राब हैं वो भी दोबारा से डलेंगी। तो भाई फाइनली ये काम हो गया खत्म, थैंक यू भाई, फोरमैन बहुत अच्छा काम करता है यार। अभी 4x4 का काम भी भाई से करवाएंगे, बहुत अच्छा काम किया। अभी जो आवाज़ें थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, पाजी ने खुद चेक किया है, पाजी बॉक्स एक्सपीरियंस है, 1990s में जिप्सी रखी थी पाजी ने, और अभी एक्सपीरियंस पूरा चेक करके हैं, टेस्ट ड्राइव लेके आए हैं, और उन्होंने कहा कि गाड़ी पास है। पाजी पास है, चलो पाजी ने पास कर दी तो फिर पास ही, अब सीधी लेके जाएंगे जी, अब करवाते हैं इसकी व्हील अलाइनमेंट। चलो जी भाई, थैंक यू अनिकेत, थैंक यू ब्रदर। भाई गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, और त्रिलोक मोटर गैरेज जलंधर में आए थे भाई, बहुत ही एक डिफ़िकल्ट काम था जो स्टेयरिंग का था, बहुत कम लोग कर पाते, लेकिन फाइनली यहाँ पे हो चुका है। पाजी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं पाजी, थैंक यू